सो गाइस, तो आप लोगों के लिए फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आप लोग बताएंगे जो आप लोग किस तरह से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करेंगे। कुछ नया नया अपडेट आ चुका है इंस्टाग्राम को डिलीट करने के लिए, तो आप लोगों को यदि जानना है इस नए अपडेट को, या आप लोगों को यदि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करना है परमानेंटली, तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना है। और यदि आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बिल्कुल कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। और क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पे लिखना है इंस्टाग्राम, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं इंस्टाग्राम, ठीक है। instagram.com लिख दीजिए, और जैसे आप instagram.com लिख दीजिएगा, आप लोग को सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग सर्च पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। आप लोगों को सिंपली क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप लोग को यहाँ पे उस अकाउंट को लॉगिन कर लेना है जिस अकाउंट को आप लोग परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले अपना अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं। इसके लिए आप लोगों को सिंपली कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे अपना यूज़र आईडी है या जो यूज़र नेम है वो डाल दीजिए, और उसका जो पासवर्ड है वो डाल दीजिए। यदि आप लोग पासवर्ड भूल गए हैं तो इसके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड दिख रहा होगा, आप लोग फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके पासवर्ड को रीसेट कर लीजिए, यानी दूसरा पासवर्ड बना लीजिए। सो गाइस, तो मैंने यहाँ पे अपना यूज़र आईडी और यानी यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिया। यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद आप लोगों को सिंपली क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो जो भी आप अकाउंट यहाँ पे लॉगिन किया है उस अकाउंट में आप लोग स्विच हो जाएगा, यानी उस अकाउंट में आप लोग चल जाइएगा। तो आप लोगों को सिंपली यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना, एंड देन यहाँ पे नोट नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग नोट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने जो अकाउंट यहाँ पे लॉगिन किया है उस अकाउंट में आप लोग चले जाइएगा। आप लोगों को इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को प्रोफाइल वाला लोगो वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली इस लोगो वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे सेटिंग वाला ऑप्शन कॉर्नर पे दिख रहा होगा, सिंपली आप लोग सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। और सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को ऊपर स्क्रॉल करना है, और आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा हेल्प वाला ऑप्शन। आप लोग सिंपली हेल्प वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, यानी यहाँ पे आप लोगों को कॉर्नर पे थ्री लाइन दिख रहा होगा, आप लोगों को सिंपली उस थ्री लाइन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग उस थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा मैनेज योर अकाउंट वाला ऑप्शन, आप लोगों को सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग मैनेज योर अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे बीच में दिख रहा होगा डिलीट योर अकाउंट, ठीक है। तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, डिलीट योर अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग डिलीट योर अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे कहा जाएगा डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, आप लोगों को सिंपली इस पर क्लिक करना है। और आप लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को ऊपर स्क्रॉल करना है, और आप लोगों को कहीं पर मिल जाएगा डिलीट योर इंस्टाग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम खोज लेते हैं पहले यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है instagram.com फ्रॉम अ मोबाइल ब्राउजर, ठीक है। तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इस वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस वाले पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे ये कहा जाएगा डिलीट योर अकाउंट, ठीक है। तो आप लोग सिंपली डिलीट योर अकाउंट पे क्लिक कीजिए। जैसे आप लोग डिलीट योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होकर आ जाएगा। आप लोगों से यहाँ पे सबसे पहले पूछा जाएगा जो आप लोग इस अकाउंट को क्यों डिलीट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को सिंपली इस पर क्लिक करना है, और आप लोगों को सिंपली यहाँ से कोई भी एक रीज़न दे देना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से एक रीज़न दे देते हैं, यहाँ पे समथिंग एल्स दे, ठीक है, ये दे दिए। और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे उस पासवर्ड को डालना है जिस अकाउंट को हमें डिलीट करना है। तो चलिए हम यहाँ से उस पासवर्ड को डाल देते हैं। मैं आप लोगों को बता दूँ ये अकाउंट ना तुरंत ही डिलीट नहीं हो जाएगा, इस अकाउंट को डिलीट होने के लिए यहाँ पे देखिए समय बताया जा रहा है, जो अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर 2022 को ये अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। इससे पहले यदि आप लोग चाहते थे जो नहीं इस अकाउंट को मुझे डिलीट नहीं करना है, तो आप लोग फिर से उसी अकाउंट को अपने इंस्टाग्राम में लॉगिन करके आप लोग ला सकते हैं, ठीक है। यदि आप लोग 1 अक्टूबर तक इस अकाउंट को अपने फ़ोन में लॉगिन नहीं कीजिएगा, यानी अपना इंस्टाग्राम में लॉगिन नहीं कीजिएगा, तो 1 अक्टूबर को क्या होगा, ये अकाउंट डिलीट हो जाएगा। यानी अभी कितना, आज 1 सितंबर है, यानी समझिए 1 महीने का टाइम ले रहा है, ठीक है। तो 1 महीने बाद क्या होगा, ये अकाउंट ना खुद ब खुद परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो जैसे आप लोग डिलीट कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग को ऊपर में दिखा जाएगा जो योर अकाउंट विल बी डिलीटेड ऑन अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर 2022, यानी 1 अक्टूबर 2022 को ये अकाउंट खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा यदि आप लोग उसमें लॉगिन नहीं करते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, और इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बिल्कुल कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।